गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 हमारी जो चल रही थी उसका आज सेवंथ क्वेश्चन कर रहे हैं हम पहले, ठीक है। आज ये 1.3 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर देंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। राइट थ्री नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब देखो, हमें कोई थ्री एग्जाम्पल्स देने हैं जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या है, जिनका डिवाइड फिनिश ना हो, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो टर्मिनेट नहीं होते, टर्मिनेट का मतलब फिनिश नहीं होते है। जैसे कि मान लो मैंने 35 में 7 का डिवाइड किया तो 7 5 35 हो गया, तो ये तो भाई टर्मिनेटिंग है, यानी कि फिनिश हो गया ना डिवाइड, पॉइंट लगने से पहले ही फिनिश हो गया। हो सकता है पॉइंट लगने के बाद भी फिनिश हो जाए, यानी कि हमें एग्जांपल ऐसे देने हैं जो कभी फिनिश नहीं होते, जो डिवाइड कंटिन्यूसली चलते जाते हैं। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है, नॉन रिकरिंग का मतलब है पॉइंट के बाद डिजिट्स सेम टू सेम रिपीट ना हो। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले पार्ट्स में एग्जांपल बताए थे कि अगर अपना ये हो रहा है, अगर इस तरीके से दो दो डिजिट देखो, 3737 3737 3737, ये चीज रिपीट हो रही है, इसको बोलते हैं रिकरिंग या रिपीटिंग। ऐसा एग्जांपल नहीं लेना है जिसमें सेम पैटर्न या सेम डिजिट का जो पेयर है वो रिपीट होता हो, ठीक है ना। एक तो ऐसा एग्जांपल नहीं देना जो टर्मिनेट हो, एक ऐसा एग्जांपल नहीं देना जो रिपीट हो, तो ये दोनों ही हमें अवॉइड करने हैं। तो इसके आंसर में हम कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। मैंने लिख दिया 7.001 3 5 7 2 0 0 0 0 7 और डॉट लगा के छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है कि इस डॉट डॉट का मतलब क्या है कि ये डिवाइड फिनिश नहीं हो रहा, कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। अब आप पैटर्न देखिए, पहले मैंने 001 लगाया, यानी कि कुछ भी लिखते जाओ, आप कुछ भी लिख सकते हो। ये वो नंबर्स हैं जो टर्मिनेट भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते, यानी कि नॉन रिकरिंग होते हैं। ऐसा फर्स्ट एग्जाम्पल है। दूसरा, आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने ये फर्स्ट लिखा, सेकंड थर्ड आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे आप लिख लो 0.0005 0009 1357, इस तरीके से लिखते जाओ, ठीक है। थर्ड एग्जांपल कुछ भी लिख लो आप, 4135 61, इस तरीके से चलते जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ 1 लिख दिया तो आगे 3 नहीं लिख देना आप, क्योंकि 1 3 फिर सेम ऑर्डर हो सकता है रिपीट हो। अगर आपने 3 लिख भी दिया, ठीक है ना, 3 अगर आपने ये लिख भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे अलग ऑर्डर चला दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये आपका एक इस तरीके के एग्जाम्पल है जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड थ्री इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 and 9/11। यानी कि हमें ये दो नंबर दिए हुए हैं, हमें इनके बीच में थ्री इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, इसलिए इसको मैंने डार्क किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। तो इरेशनल नंबर अगर है तो हमारा थोड़ा सा मेथड अलग रहेगा, कोई मेथड अलग है इसका। रेशनल नंबर का मेथड मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर हमें दो नंबर दिए हुए और उनके बीच में 3 4 5 कितने भी रेशनल नंबर अगर हमें फाइंड करने के लिए बोले तो वो मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। अब हमें क्या फाइंड करने है, इरेशनल नंबर। ये उससे भी इजी है। एक्चुअल में आप क्या करोगे, 5 में 7 का डिवाइड करोगे, यानी कि फर्स्ट फ्रैक्शन है जो, फर्स्ट जो रेशनल नंबर है उसकी ओरिजिनल वैल्यू पॉइंट में फाइंड करोगे, ठीक है ना। तो इसको मैं सिंपल डिवाइड करूंगा, आप इसको डिवाइड करोगे, मैं डायरेक्ट मैं इसका आंसर लिख रहा हूं। इसका आंसर है जी 0.714285 और इसके ऊपर बार, यानी कि इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास ये आंसर आएगा, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। यानी कि इस बार का मतलब समझते हो कि ये 6 के 6 जो डिजिट हैं वो रिपीट होंगे, ठीक है। फिर आफ्टर दैट मैं 9/11 को अगर सॉल्व करूं तो 9 में किसका डिवाइड करेंगे भाई, 11 का। तो चलो ये मैं करके दिखा देता हूँ, छोटा सा है। तो यहाँ पॉइंट लगेगा, सबसे पहले 0 आ गया, ठीक है, 11 8 जा 88 आ गया, फिर आ गया 2, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, 0 आ गई, 11 बन जा, क्या आ गया, 11 आ गया। अब क्या बच गया, वापस 9, यानी कि ये सेम चीज़ रिपीट होती जाएगी, 0.81। तो हमें जो एक्चुअल में करना क्या है, थ्री इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं इसके और इसके बीच में। देखो, फर्स्ट की वैल्यू ये आ गई, सेकंड की वैल्यू ये आ गई, इस नंबर के बीच में और इस नंबर के बीच में हमें
थ्री इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है ना। तो अभी जो सेवंथ क्वेश्चन था सेम है, यानी कि इन दोनों के बीच में हमें ऐसा नंबर लिखना है जो टर्मिनेट ना हो और जो रिपीट भी ना हो। यहाँ तो ये देखिए बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। तो नॉन टर्मिनेटिंग लिखने हैं और नॉन रिपीटिंग लिखने हैं, सेम सेवंथ क्वेश्चन बन गया अब यहाँ पे आके। तो हमें फर्स्ट एग्जांपल में इसका लिख सकता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, 0.71 से बड़ा, 0.81 से छोटा नंबर लिखना है। तो 0.72 लिख सकते हैं हम स्टार्टिंग में, 0.71 से बड़ा और 81 से छोटा हो जाएगा ये 0.72। अब आगे आप कुछ भी लिखते जाएं यहां पे, जैसे मैं लिख रहा हूं 0050001325, फिर डॉट डॉट लगा के छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से हम यहां और एग्जांपल ले सकते हैं, 0.73 लगा के, 0.74 लगा के, ठीक है। आगे हम कुछ भी लिखते जाएं, आगे ये चलता ही जाएगा, यानी कि आपको दो डिजिट लगा के छोड़ना नहीं है, कम से कम 6-7 नंबर लिखने हैं, फिर हम इसको आगे डॉट डॉट लगा के कंटिन्यू लगा के छोड़ सकते हैं। तो ये आपके थ्री क्या हैं, एग्जांपल्स हैं किस चीज़ के, इरेशनल नंबर्स के, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो आपको ये कुछ नंबर दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि दीज नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पार्ट, अंडर रूट 23। तो ये 23 आप देखिए, ये क्या है, प्राइम नंबर है। और इस लेसन के स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एक बात बता दी थी कि जब किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आता है तो वो नंबर जो होता है वो इरेशनल होता है। जैसे मैंने इसको आपके एग्जांपल बताए हैं इसके, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, इस तरीके के जो भी नंबर आएंगे, अंडर रूट 5, ठीक है ना। तो जो भी नंबर आएंगे इस तरीके के, ये सारे के सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर। यानी कि कभी भी आपको स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर मिल जाए तो उस प्राइम नंबर के ऊपर अगर रूट लगा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल, ठीक है ना। अब दूसरी बात देखिए, अंडर रूट 225, तो ये आपको लर्न करना है, और नहीं भी लर्न कर अगर आपको है तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि अंडर रूट 225 जो है वो क्या है, 15 है। यानी कि 15 की स्क्वायर क्या है, अंडर रूट 225, और 225 का जो रूट है वो क्या है, 15 है। तो इसका तो रूट पूरा पूरा आ गया, और ये जो 15 है इसके नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ, मीन्स आई कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। जब इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ तो ये क्या है, नंबर रेशनल। तो ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है, और ये आपका क्या था, इरेशनल नंबर था। इतनी बात समझ में आ गई। तो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट, 0.3796। तो पॉइंट के बाद मुझे कितनी डिजिट दिख रही हैं, 4 डिजिट दिख रही हैं। चारों को हटा के मैं नीचे 0 लगा सकता हूँ, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये आगे और कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसको, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में ला सकते हैं, क्योंकि ये 2 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही हम क्लैरिफाई कर सकते हैं कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है अब, ठीक है ना। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, जब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा तो नंबर कैसा होगा, रेशनल। सो आवर थर्ड पार्ट इज ऑल्सो रेशनल। थर्ड पार्ट कैसा है भाई, रेशनल है। चलो हम फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट में देखिए 7.478478, तो यहाँ देखिए ये 478478, देखो सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। देखो ये चीज़ 478478, यानी कि आगे डॉट डॉट लगा के छोड़ा, इसका मतलब 478 ही आएगा। अभी मैं आपको 2 मिनट पहले बात बता के गया हूँ कि अगर सेम चीज़ सेम पैटर्न में रिपीट हो रही है तो वो नंबर कैसा होता है, वो नंबर होता है रेशनल। वो नंबर कैसा होता है, रेशनल नंबर होता है। क्यों, क्योंकि जो रिपीटिंग डिजिट्स होती हैं उसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखने का जो मेथड है वो आपको मैं ऑलरेडी 1.2 के अंदर करवा के गया हूँ, ठीक है ना। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो होंगे वो क्या होंगे, रेशनल नंबर। अब आप करते हैं फिफ्थ पॉइंट में देखिए क्या है, 1.101001001, देन 4 0s 1 एंड डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसमें कोई सेम पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। तो ये क्या है, ये है
इरेशनल नंबर। क्यों है इरेशनल नंबर? बिकॉज इसमें क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, और नॉन रिकरिंग भी है, यानी कि नॉन रिपीटिंग भी है, कोई सेम पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। तो ये जो नंबर है ये क्या है आपका? इरेशनल। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें नाइन्थ क्वेश्चन की, तो नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर हमारा जो फर्स्ट पार्ट है और जो फिफ्थ पार्ट है, दीज बोथ आर इरेशनल। बाकी के जो तीनों हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्या है? रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है।